लेसनर ने करी वापसी बॉबी लैशली को लगा दिया है फाइव। आज की रॉ 200 रॉ की 30th एनिवर्सरी थी जिसमें हमने बहुत सारे लेजेंड्स को देखा है एंड सच्ची बताऊं रॉ वाज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। एक से बढ़कर एक सेगमेंट अंडरटेकर ने टॉर्च पास कर दी है। और गाइस रही बात पहले सेगमेंट की तो लिटरली दोस्तों दिल बाहर ही निकल गया था। आज की रॉ की शुरुआत हल्क होगन ने की थी। हल्क होगन ने एक प्रोमो काटा जिसके अंदर वो अपना वही वाला डायलॉग मारते हैं, व्हाट यू गोना डू व्हेन द हल्क मेनिया रनिंग वाइल्ड ऑन यू, जनता हो जाती है पागल। थीम सॉन्ग प्ले होता है हमारे ट्राइबल चीफ का। ट्राइबल चीफ आए एंड ट्राइबल कोर्ट सबसे पहले देखने को मिल रहा है। वहां दोस्तों जो हमारे पॉल हैमन है वो मुकदमा चलाते हैं सेमी सेम के ऊपर। ये चीज कहते हैं बंदा बहुत बड़ा धोखेबाज है, मेरे पास बहुत सारे सबूत है जिसमें ABCD करके बताऊंगा। देखो किस तरीके से जब ड्रू ने आज से काफी समय पहले अटैक किया था बैकस्टेज, सेमी भाग गया था। दूसरे सबूत में वो दिखाते हैं किस तरीके से रॉ के अंदर इसने चेयर का यूज नहीं किया, हर बारी इसने प्लानिंग की, वॉर गेम्स में केज पर बैठकर खुद को इसने बढ़ोतरी दी, खुद को दोस्तों इसने अपने आप को सबसे आगे रखा। कुल मिलाकर दोस्तों इसने ब्लड लाइन को धोखा दिया है। माय ट्राइबल चीफ एक दगेबाज है। इसके बाद हमें क्या चीज देखने को मिलती, अब सेमी जेन की बारी आती है। सेमी जेन को अपने डिफेंस में कुछ कहना था, सेमी कहता है मेरा दिल टूट गया, मेरा दिल टूट चुका है क्योंकि इस बंदे पर मैंने हमेशा भरोसा किया है। पॉल हैमन जो है इसके पास हर बार जो आकर मैं अपने राज खोलता था लेकिन इस तरीके से इसने मुझे ट्रीट किया है, इट हर्ट्स यार। ये बंदा जानता है मैंने कोई दगेबाजी नहीं की है ब्लड लाइन के साथ, लेकिन स्टिल ये इस तरीके से कह रहा है मुझे कुछ भी नहीं कहना। इस पर हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि वहां रोमन रेंस को गुस्सा आ जाता है। रोमन रेंस कहते हैं कि तेरी ईगो इतनी बड़ी है क्या, तू अपना डिफेंस देना ही नहीं चाहता, तू मानता है इसका मतलब कि तैने दगेबाजी किया, तू डे वन से कैमरन वंस के साथ मिला हुआ था। सोलो जिस पर सोलो जाते हैं और स्पाइक करने लग जाते हैं, जे उसो ने रोक दिया। दिल दोस्तों बिल्कुल भर आया था, आंखों में दोस्तों आंसू आ गए। जे जो कि एक टाइम को दोस्तों काफी बड़े दुश्मन होते थे सेमी, उन्होंने उन्हें आज बचाया। जे कहते हैं मेरे पास भी बहुत सारी डिफेंस में चीजें हैं जो कि मैं सेमी के लिए कहूंगा, सेमी ने हमेशा हमारी मदद की। चेयर शॉट बैक पर खाया इस बंदे ने, प्रोडक्शन में बैकस्टेज आकर आरके ब्रो के खिलाफ हमें विक्ट्री दिलवाई, हर बार हमारी मदद की। और वॉर गेम्स में भी तुम्हें याद होगा रोमन इसने किस तरीके से पिनफॉल वहां रुकवाई थी। कुल मिलाकर ये हमारा लॉयल ही रहा है जिस पर जनता शरण लगाती है, सेमी उसो। जिस पर हमें चीज देखने को मिलती है कि जे कहते हैं अगर आप लोग इसके सपोर्ट में हैं तो उंगली हवा में उठाए, जिस पर लोग दोस्तों उंगली हवा में उठाते हैं। और उसके बाद दोस्तों अब जो हमारे अपने रोमन रेंस फैसला सुनाते हैं, रोमन कहते हैं कि ठीक है यू आर नॉट गिल्टी टुडे, मैं तुझे बाइज्जत बरी करता हूं, लेकिन जस्ट आज के लिए तुझे अपनी लॉयल्टी प्रूफ करनी होगी। सैटरडे तक मैं तुझे देखना नहीं चाहता, रॉयल रंबल तक मुझे अपना फोबड़ा मत दिखाइयो। जिस पर रोमन रेंस वहां से निकल जाते हैं और फिर दोस्तों नाइट का पहला मैच देखने को मिलता है जो कि था द उसोस वर्सेस जजमेंट डे। इसके अंदर दोस्तों सेमी जेन ने अपनी लॉयल्टी का प्रूफ दे दिया। मैच के मिड में होता क्या है कि जिमी दोस्तों इंजर्ड हो जाते हैं, एडम पियर्स आते हैं, ये चीज कहते हैं कि ऐसे में तुम्हें टाइटल फोरफिट करना होगा द उसोस को कहते हैं। जिस पर सेमी कहते हैं नहीं, जिमी की तरफ से मैं लड़ूंगा। जिसके बाद दोस्तों सेमी ने जाकर अंदर बेहतरीन मैच दिया। सेमी एंड जे अब फेस कर रहे हैं जजमेंट डे को एंड मैच के अंदर दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है कि एंड में वन डी लगाया है सेमी एंड जे ने मिलकर। और वहां दोस्तों जो हमारे अपने उसोस हैं मैच को जीत गए, सेमी उसो एंड जो जे उसो है उन्होंने दोस्तों बेहतरीन परफॉर्मेंस पुट की। ये सब दोस्तों रोमन रेंस बैकस्टेज देख रहे थे और वही चीज कहते हैं कि मैं इसे अब तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। तो कहीं ना कहीं एक जलन बिगन हो चुकी है सेमी के खिलाफ रोमन के मन में। लेकिन हाँ जो सेगमेंट था काफी इमोशनल था, बात की जाए इसके बाद क्या। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो बैकस्टेज JBL रॉन सिमंस एंड दोस्तों गॉडफादर को एक साथ देखा हम लोगों ने। वहीं दोस्तों कॉर्बिन भी थे। दरवाजा खुलता है, वहां दोस्तों देखने को मिलता है बहुत सारे लोग वहां जुआ खेल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगला सेगमेंट था वो भी दोस्तों काफी इमोशनल होने के साथ साथ काफी मॉन्यूमेंटल भी था। तो दोस्तों हम लोगों को अब देखने को मिल रहे हैं LA Knight रिंग के अंदर आते हैं और चीज कहते हैं कि देखो जो ब्रे वाइट उसका भंडाफोड़ हो चुका है, वो एक बच्चा है जो कि अपनी बकेतियां करता आ रहा है, उसने अपने खिलौने वापस ला दिए हैं और इस शनिवार मैं उसे हराऊंगा, लेकिन अभी मैं उसका प्रीव्यू देना चाहता हूं, कोई भी लेजेंड आकर मुझे फेस कर सकता है। डोंग अंडरटेकर की एंट्री, क्या ही एंट्री। और सभी को लगता है डेड मैन आएगा, लेकिन आया बैड एस अंडरटेकर। मैंने बता रखा था कि ऐसा कुछ हो सकता है आज। और अंडरटेकर दोस्तों बाइक पर आए, हार्ले डेविडसन पर आए और दोस्तों आते ही सार उन्होंने अटैक करने की कोशिश की। LA Knight बाहर निकल जाते हैं, चीज कहते हैं रुक जाओ, मैं मानता हूं कि तुम अंडरटेकर हो, लेजेंड हो, बट मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि तुमने एक जगह कहा था कि अब रेसलिंग सॉफ्ट हो चुकी है, ये कुछ कुछ ब्रे वाइट जैसे लोगों की वजह से हुई है। और रही बात तुम्हारी तो मैं तुम पर कहीं ना कहीं एहसान कर रहा हूँ,
तुमसे मैं लड़ूंगा तो हो सकता है कि तुम सीधा मर ही जाओ, वाकई में डेड मैन बन जाओ, तो ऐसे में तुम रिटायरमेंट इंजॉय कर सकते हो। जिस पर एले नाइट जाने लगते हैं और जाने ही वाले देखिए गाइस वहां ब्रे वाइट आ गया। अब एले नाइट एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई अंदर घुस जाते हैं। अंडरटेकर ने दोस्तों उन्हें गिरवान से पकड़ लिया, चॉक स्लैम लगाने वाले थे लेकिन उन्होंने दोस्तों वो दे दिया ब्रे वाइट को, ब्रे वाइट ने लगाया सिस्टर अबिगेल। जिन लोगों को नहीं पता है यहां आपके सामने सामने टॉर्च पास हुई है। अंडरटेकर दोस्तों स्वयं मार सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं मारा और दोस्तों उन्होंने दे दिया ब्रे वाइट को। तो ये पासिंग द टॉर्च सेगमेंट था जिसके बाद दोस्तों ने कान में जाकर हल्का सा विस्पर किया है और कहीं ना कहीं दोस्तों साफ हो चुका है कि अब ब्रे वाइट हमारे इस एरा के अंडरटेकर होने वाले हैं। टेकर ने दोस्तों अपनी बाइक ऑन की और स्टाइल में निकल गए। तो क्या ही सेगमेंट था, लिटरली दोस्तों एक मॉन्यूमेंटल सेगमेंट था। बात की जाए इसके बाद क्या हो, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों केज मैच। एंड गाइस सच्ची बताऊं इससे घटिया केज मैच दोस्तों मैंने हिस्ट्री में कभी नहीं देखा। ये सबसे घटिया चीज थी आज की रॉ में। मैच कभी बिगन ही नहीं पाया क्योंकि दोस्तों बाहर ही जो डैमेज कंट्रोल अटैक कर देता है बैकी के ऊपर, अंदर ले जाता है एक के बाद एक फिनिशर लगते हैं, बैकी को स्टील के ऊपर मारा जाता है, केज के ऊपर मारा जाता है, एडम पेयर्स आते हैं बोल्ट कटर से दोस्तों केज को वो काटते हैं लेकिन तब तक वहां से डैमेज कंट्रोल भग खड़ा होता है। तो यहां दोस्तों आज जो बैकी है उनकी गंदे वाली पिटाई हुई है। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद हम लोगों ने देखी है दोस्तों डी जनरेशन एक्स की एंट्री। तो डी एक्स आ चुके रिंग के अंदर, साथ में कट एंगल है और ऐसे में दोस्तों बीच में कंफ्यूज होकर पूछते हैं कट एंगल तुमने कब डी एक्स को ज्वाइन किया। कर्ट एंगल कहते हैं कि मैं हमेशा से ज्वाइन करना चाहता था। जिसके बाद दोस्तों वो अपना वाला स्टाइल मार रहे थे, वो सकिट वाला डायलॉग मारने वाले होते हैं कि इंपीरियम की एंट्री हो जाती है। इंपीरियम रिंग के अंदर आकर दोस्तों चैलेंज करता है। ट्रिपल एच कहते हैं मैं रिटायर हो चुका हूँ। शॉन कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। फिर रॉ डॉग कहते हैं मुझे इंजरी है और उसके बाद दोस्तों एक्स पाक भी मना कर देते हैं। हमें चीज़ देखने को मिलती है कि ऐसे में कर जो हमारे अपने ट्रिपल एच वो चीज़ कहते हैं कि हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो कि बढ़िया मैच बुक कर सके। वहाँ दोस्तों आकर जो टेडी लॉन्ग है मैच बना डालते हैं जो कि रहता है सेथ स्ट्रीट प्रॉफिट्स वालों का। ये तीनों दोस्तों मिलकर फेस के एम्पीरियम को। मैच काफी एंटरटेनिंग था। एंड में दोस्तों सेथ रॉलिंस ने ट्रिपल एच को ट्रिब्यूट देते हुए पेडिग्री भी लगाई है गंथर को। और इस मैच की खास बात क्या थी, इस मैच के अंदर दोस्तों जो कमेंट्री टेबल पर बंदा था वो था जेरी लॉलर एंड हमारा रेफरी जो था इसका वो था कर्ट एंगल। तो कर्ट एंगल हमारे स्पेशल गेस्ट रेफरी थे। एंड एंड में दोस्तों ये चीज देखने को मिली है कि जो हमारे सेथ है उन्होंने कर्ब स्टॉक मार कर दोस्तों विंची की पिन कर दी और यहाँ दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट एंड सेथ जीत गए हैं। रिक फ्लेयर दोस्तों रैंप के ऊपर आ चुके हैं। रिक फ्लेयर दोस्तों रैंप के ऊपर आकर अपनी बेटी को शाउट आउट देते हैं और बेटी की एंट्री होती है, क्वीन की एंट्री होती है। क्वीन आकर अपने बाप के गले लगती है। काफी इमोशनल था ये सेगमेंट। जिसके बाद अंदर आकर शार्लेट फ्लेयर प्रोमो काटती है, चीज बताती है कि रॉ उनका होम है। प्रियंका ब्लेयर की एंट्री होती है, इस पर कहती है कि रॉ तुम्हारा होम नहीं है, तुम स्मैकडाउन की खिलाड़ी हो। सोनिया भी आ जाती है। सोनिया आकर शार्लेट को दोस्तों चैलेंज करती है, जिस पर शार्लेट कहती है प्रियंका तुमने भी लड़ना है, सोनिया तुमने भी लड़ना है, क्यों ना तुम आपस में लड़ो। जिस पर प्रियंका उन्हें कॉल आउट करती है और उसके बाद दोस्तों प्रियंका वर्सेस सोनिया मैच बिगन हो जाता है। मैच दोस्तों ठीक ठाक था और इसके अंदर दोस्तों जो हमारी अपनी प्रियंका ब्लेयर है मैच में जीत जाती है। आफ्टर दी मैच ये चीज देखने को मिलती है कि अलेक्सा ब्लिस ये चीज कहती है बिग स्क्रीन के ऊपर से कि देखो इस सैटरडे मैं तुम्हें हराने वाली हूँ, मुझे किसी के भी साथ की जरूरत नहीं है, अकेले तुम्हारा चेहरा फाड़ सकती हूँ। तो काफी तगड़ा दोस्तों स्टेटमेंट जारी किया। जिसके बाद कोडी के ग्राफिक्स दिखाई जाते हैं, उनकी जर्नी के ग्राफिक्स और रॉयल रंबल के अंदर दोस्तों ये सारे कंटेस्टेंट कंफर्म हो गए हैं। जिसके बाद हम लोगों ने देखा है जॉन सीना का 2K23 के ऊपर कंफर्म होना। तो वीडियो गेम 2K23 पर मैंने आपको बताया था कि जॉन सीना कवर पिक पर हो सकते हैं और डब्ल्यू वालों ने यहां कंफर्म कर दिया। जिसके ठीक बाद हम लोगों ने देखा मिस टीवी दोस्तों एक्चुअल में हो नहीं पाया, मिस टीवी हुआ ही नहीं। मिस आकर कहते हैं मिस टीवी नहीं है और ऐसे में घटिया है, रॉ की 30th एनिवर्सरी बेकार है। ओवंस आ गए, ओवंस ने लगा दिया दोस्तों द मिस को स्टनर और ये चीज कही कि देखो इस सैटरडे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ब्लड लाइन में क्या चल रहा है, मैं रोमन रेंस को हराऊंगा एंड आपको वो चैंपियन देखने को मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं। और ऐसे में मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि रोमन का किस्सा खत्म। वहां दोस्तों द मिस उठने की कोशिश करते हुए एक और स्टनर लगता है। अब दोस्तों मेन इवेंट बिगन हो चुका है एंड सच्ची बताऊं ये मेन इवेंट जिस तरीके से एंड हुआ ना मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और हालांकि मुझे पता तो था लेकिन मैंने ऐसे नहीं सोचा था कि इस तरीके से खत्म होगा। तो ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस बॉबी लैशली बिगन हो चुका है, यूएस चैंपियनशिप दाव के ऊपर है। मैच के अंदर दोस्तों क्या चीज देखने को मिलती है कि मिड में जो हमारे अपने ऑस्टिन थ्योरी वेपन्स का यूज कर रहे हैं। मैच दोस्तों शुरू होने से पहले नो डीक्यू बन चुका था बैकस्टेज सेगमेंट में। तो मैच के अंदर दोस्तों जो हमारे ऑस्टिन थ्योरी चेयर का यूज किया, फायर एक्सटिंग्विशर का भी यूज करते हैं। वहां दोस्तों बॉबी लैशली की हालत खस्ता हो गई थी लेकिन एंड में दोस्तों बॉबी लैशली ने तगड़ी पकड़ बना ली। इवेंचुअली दोस्तों उन्होंने वहां अंदर पड़े हुए टेबल के ऊपर उन्हें स्पाइन बस्टर भी धर दिया।
पिन फॉल होने वाली थी ऑस्टिन थ्योरी को थीम सॉन्ग प्ले हो गया द बीफ ब्रॉक लेसनर का। लेसनर आ चुके हैं वापस रेट्रीब्यूशन, अंदर घुसते ही सार बॉबी लैशली को तगड़े वाला F5, उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी को भी उठाया, ऑस्टिन थ्योरी को F5 लगाया, बॉबी लैशली ऊपर सैंडविच 1, 2 और 3। ऑस्टिन थ्योरी जीत गए हैं, ब्रॉक लेसनर ने बदला ले लिया और लेसनर जिस अटायर में आए हैं बहुत ही तगड़े लगे हैं। हालांकि दोस्तों क्राउड को एंडिंग पसंद नहीं आई, ऐसा बताया जा रहा है एंडिंग थोड़ी बढ़िया होनी चाहिए थी, लेकिन लेसनर आ रहे हैं तो एंडिंग को कैसे घटिया कहा जा सकता है। ब्रॉक लेसनर इस बैक एंड रॉयल रंबल का भी पार्ट होने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आएगा। लेकिन रॉ में मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, समथिंग बिग इज कमिंग, तो 13 लाख सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द पूरा कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बक है।